हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंजीनियरिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों का स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, बच्चों का कैप, बेबी फ्रॉक, किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगती है और बनाने में बहुत आसान है। जिन्होंने अभी अभी बुनाई सीखी है वो आराम से इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। ये हमारी 4 रोज़ की डिज़ाइन है और 4 रोज़ हम रिपीट करते जाएंगे और हमारी डिज़ाइन इस तरह से बनकर आएगी। इस डिज़ाइन को हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 2 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और इसमें हमें कोई भी फंदा प्लस नहीं करना है। तो ये पहले जब हम स्वेटर बनाएंगे तो बॉर्डर बना लेंगे थोड़ा सा और फंदे बढ़ा लेंगे अपने, और उसके बाद अपनी डिज़ाइन इस तरह से स्टार्ट करेंगे। जो जिस तरह से मैंने ये डिज़ाइन यहाँ से फर्स्ट रो स्टार्ट की थी, वैसे ही आपको यहाँ से स्टार्ट करके दिखाती हूँ। इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे इस तरह से। और देखिए, हमें ये सिलाई पूरी इस तरह से सीधी सीधी बनानी है। तरह से पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए, सिलाई हमने पूरी अपनी इस तरह से सीधी सीधी बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं सेकंड रो पर। सेकंड रो देखिए, हमें इस तरह से सेकंड रो को हम पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है और इसे हम पूरा उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए, सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए, अभी हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई पर हमें डिज़ाइन डालना है। पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे। देखिए, इस तरह से उतार लिया। अब हम इस धागे को इस तरह से आगे लाएंगे, देखिए, डबल करके इस तरह से। और जो धागा हमारा टाइट वाला है, जो देखिए खिंच नहीं रहा, उस धागे को पकड़ेंगे और 2 फंदे उसी धागे से उल्टे बना देंगे इस तरह से। और इस धागे को हम इस तरह से खींच देंगे। इन्हीं 2 फंदों को हमें बार बार रिपीट करते जाना है इस तरह से। देखिए, धागा आगे किया और ये जो धागा खिंच नहीं रहा, उससे हमें ये 2 फंदे इस तरह से बनाने हैं और इसे इस तरह से पीछे खींच देंगे। फिर से ऐसे, देखिए, इसे इस तरह से खींच देंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, जैसा कि मैंने बताया था। जिसने अभी अभी बुनाई सीखी है, आराम से इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। देखिए, इस तरह से। इस तरह से खींच देंगे। फिर से धागा आगे किया और ये खींच दिया इस तरीके से। फिर से खींच दिया इस तरह से और ये देखिए, आखिरी का एक फंदा बचेगा, उसे हम सीधा बना देंगे। ये डिज़ाइन की 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आते हैं हम डिज़ाइन की 4थी सिलाई पर। तो देखिए, ये 4थी सिलाई हमें पूरी अपनी डिज़ाइन की उल्टी उल्टी बनानी है इस तरह से। देखिए, तो इसमें देखिए, एक सिलाई पर डिज़ाइन डला है
और तीन सलाइयाँ हमारी उल्टी सीधी है, इस तरह से देखिए। इसे पूरा हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए डिजाइन की ये चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और देखिए इन्हीं चार सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे और हमारी ये डिजाइन कुछ इस तरह से बनकर आएगी। बहुत ही प्यारी डिजाइन है और किसी भी कलर पर डालिए बहुत प्यारी लगती है। अगर आपको मेरे डिजाइन बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए। थैंक यू।